नमस्कार हूँ आदर्शु वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी हेलो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक, स्टैंडर्ड सेवंथ साइंस इन द लास्ट पार्ट वी डिस्कस्ड प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, इन विच देर वेर सिक्स स्टेप्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप दैट इज रिमूवल ऑफ फ्लिश

सिल्क वम्स स्पिन दी सिल्क फाइबर्स ये जो सिल्क वम होते हैं वो सिल्क फाइबर को बनाते हैं दी रेरिंग ऑफ सिल्क वम्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर जो सिल्क वम को उछेर सिल्क वोम का जो उछेर होता है उसको सेरिकल्चर का बोलते हैं फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रांड मदर The kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. अब आपको क्या करना है आपके मदर या आंट के या तो ग्रैंड मदर के पास जो जो सिल्क साड़ीज़ है देखिए सिल्क डिफरेंट टाइप का होता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क सारी विल दे मस्ट हैव ओके तो कितने टाइप के सिल्क की साड़ी है उसका लिस्ट आपको करना है बिफोर वी डिस्कस दि प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत देखिए बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग सिल्क कैसे हम सिल्क ऑप्टेन करते हैं उसके पहले एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हमने सीखनी है दैट इज दाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मौत चलिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वो देखते हैं फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स सी एक्चुअली दिस फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड ऑफ एग्स फ्रॉम विच हेच लार्वा विच आर कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉम्स अब वो जो एक्स होते हैं उसमें से लार्वा निकल आते हैं हेच लार्वा लार्वा जो है वो आ, आ, वो एक्स को तोड़ के नीच निकल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं केटर और सिल्क वम वो जो लार्वा है उसको केटर या तो सिल्क वॉम बोलते हैं दे ग्रो इन साइज एंड वेन द केटर पिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा फिर क्या होता है ये जो केटर पिलर्स होते हैं वो जल्दी से ग्रो होने लगते हैं तो पहला जो स्टेज था वो अंडा था एग्स थे फिर उसमें से पिलर बने वो दूसरा स्टेज हुआ अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो आने को है और वो जो उसको बोलते हैं प्यूपा इट फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड इट्सल्फ अब ये जो प्यूपा है ये जो कैटर पिलर है वो क्या करता है फर्स्ट व्यूज ए नेट टू होल्ड होल्ड इट्स सेल्फ अपने आप को होल्ड करने के लिए एक नेट बनाता है देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ़ एट पहले नेट बनाता है और खुद को होल्ड कर लेता है फिर वो जो अपना हेड है उसको जो फिगर एट होता है ना उस शेप में हिलाता है उसको स्विंग करता है अपने हेड को स्विंग करता है किस शेप में एट के शेप में ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द केटर पिलर सिक्रिट्स फाइबर्स मेड ऑफ ए प्रोटीन अब वो जो हेड जब हिलाता है उस दौरान वो जो केटर पिलर है वो सीक्रेट्स फाइबर वो फाइबर का को सीक्रेट करता है एंड इट इज मेड ऑफ ए प्रोटीन चलिए आगे देखते हैं इट इज मेड ऑफ ए प्रोटीन इट इज मेड ऑफ ए प्रोटीन वो जो सिक्रीशन होता है ना फाइबर का इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर फिर वो हार्ड हो जाता है ठीक है वाई बिकॉज बिकॉज एक्सपोजर टू एयर जब उसको हवा लगती है तो वो हार्ड हो जाता है एंड बिकम सिल्क फाइबर जब वो हार्ड हो जाता है तो क्या बन जाता है सिल्क फाइबर सुन द केटर पिलर कंप्लीटली कवर्स इट्स सेल्फ बाई सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इंटू प्यूपा अब वो जो सिल्क केटर पिलर है वो अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से एंड टर्न्स इंटू प्यूपा वो जो प्यूरा वो अपने आप को ढक लेता है और उसको प्यूपा बोलते हैं ठीक है नाव इट टर्न्स इंटू प्यूपा दिस कवरिंग इज नॉन एज ककून ये जो कवरिंग हुआ उसका वो जो कवरिंग है उसको ककुन बोलते हैं वो जो फाइबर का कवरिंग हुआ ना उसको ककुन बोलते हैं दी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इन टू मौत कंटिन्यूज इनसाइड दी ककुन फिर ये जो प्यूपा है वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और वो बदल जाता है मौत में और वो ककुन के अंदर वो जो अब उसके ऊपर जो फाइबर्स है उसके अंदर प्यूपा होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मोथ में ठीक है सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ ये जो ककुन वाला सिल्क फाइबर है आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ वो ही सिल्क क्लॉथ बनाने में काम आता है कैन यू इमेजिन दैट दि सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रोंग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील अब ये जो सिल्क यान होता है ना ककुन वाला या तो ये जो सिल्क यान बनता है वो कितना स्ट्रोंग होता है तो उसके जितना थिक अगर आप स्टील का थ्रेड ले लेते हो तो ये जो स्टील का थ्रेड जितना स्ट्रोंग होता है उतना ही ये सिल्कयान स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है

दैट इज़ कोर्स स्मूद शाइनी एक्सेट्रा अब ये जो सिल्क मौत होते हैं ना जो ककुन से बाहर निकलते हैं दे लुक वेरी डिफरेंट वो सभी दिखने में बहुत अलग अलग होते हैं एंड उससे जो सिल्क मिलता है वो जो अलग अलग सिल्क मौत से सिल्क मिलता है वो भी अलग अलग होता है मतलब अलग अलग टाइप का होता है कैसा अलग अलग डिफरेंट इन टेक्स्चर कैसा टेक्सचर? कोर्स कुछ एक वो जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और रफ होते हैं दैट इज़ कोर्स कुछ एक जो है वो स्मूथ होते हैं और कुछ एक जो थ्रेड मिलते हैं उससे जो सिल्क मिलता है वो शाइनी होता है एक्सेट्रा दस टसर सिल्क मूगा सिल्क कोसा सिल्क एक्सेट्रा मतलब ये जो अलग अलग सिल्क मिला उससे जो बनता है वो टसर सिल्क बनता है मूगा सिल्क बनता है कोसा सिल्क बनता है मतलब अलग अलग ये सिल्क की वेराइटी है आर ऑप्टेन फ्रॉम काकुंस स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स ये जो टसर सिल्क है मूगा सिल्क है कोसा सिल्क है आर ऑप्टेन फ्रॉम स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स अलग अलग टाइप के मोत्स से अलग अलग टाइप का सिल्क मिलता है दी मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ अब उसमें से सब में से मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा है मलबेरी सिल्क मॉथ दिस दी सिल्क मॉथ फाइबर फ्रॉम ककुन ऑफ द मॉथ इज सॉफ्ट अब ये जो मलबेरी सिल्क मॉथ से जो फाइबर मिलता है ना उसके जो ककुन से जो फाइबर मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है सॉफ्ट लस्टर्स एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स ये जो मलबेरी सिल्क मोथ है उससे जो सिल्क मिलता है वो कैसा होता है सॉफ्ट होता है लस्टरस लस्टरस मतलब आ, वो थोड़ा शाइनिंग वाला होता है और इलास्टिक होता है मतलब थोड़ा सा खींचने जैसा हो जाता है इलास्टिसिटी वाला होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स और उसको अलग अलग कलर उसको अलग अलग कलर भी किया जा सकता है सैरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वोम्स इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया जो सैरिकल्चर है मतलब ये सिल्क वोम को Uh, पाल के बड़ा करने का जो है सेरिकल्चर वो जो ऑक्यूपेशन है इट इज वेरी ओल्ड मतलब प्राचीन समय से है इन इंडिया इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल और इंडिया बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करता है और बेचता है कॉमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करता है मतलब कि उसको बेचता भी है अलग अलग कंट्रीज में आगे देखते हैं सी दिस इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ हियर यू कैन सी अ मेल एंड अ फीमेल सिल्क मोथ इज आर देर दिज आर एडल्टोथ्स फिर एक्स ऑन मलबेरी लिव्स ये जो लिव है मलबेरी पेड़ का उसके ऊपर उसके एक्स है फिर उसमें से ये जो हेज करके सिल्क वॉर्म निकला फिर जब वो प्यूपा स्टेज में आ जाता है तो अपने ऊपर एक ककुन बना लेता है ठीक है दिस का ककुन और अगर इसमें अगर अंदर देखे तो इस तरीके से ककुन विथ डेवलपिंग मोथ, अंदर मोथ डेवलप होता है ठीक है देखिए दूसरी दूसरा अलग एक स्केच है उसमें यहाँ पे एग है उसमें से लार्वा निकला फिर ये प्यूपा है दिस इज डेवलपिंग मोथ अब जब वो डेवलप हो जाता है वो तो उस ये जो ककुन है उसको तोड़ के देखिए ये बाहर निकल रहा है फिर बाहर निकल के वो एडल्ट हो जाता है इस तरीके से उसका लाइफ साइकिल होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं। सी देर आर सम पिक्चर्स आई ब्रोट फॉर यू दिज अ सिल्क मॉथ दिस आर कैटर और सिल्क वम्स और इसका ये ककुन है फिर यहां पे देखो ये ककुन है ठीक है ऑन दी लिवस नाउ देर इज एक्टिविटी थ्री पॉइंट फाइव कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक आपको क्या करना है यू विल कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप सिल्क क्लॉथ जो होता है वो वेरियस टाइप का होता है उसके पीसीज आपको इकट्ठा करना है एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक और उसको अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट करना है यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर शॉप एमंग दिप ऑफ वेस्ट कट पीसीज अब आपको वो कहाँ से मिल सकता है वो जो टेलर शॉप होती है उसके पास वेस्ट क्लोथ क्लोथ्स होते हैं उसका जो हिप होता है उसका जो ढग होता है उसमें से ऐसा पीसीस आपको मिल जाएंगे टेक हेल्प ऑफ योर मदर आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क सिल्क एरी सिल्क मुगा सिल्क तो ये जो आप पीस लाइए उसमें से आपके मदर की हेल्प लेके आपको ये उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का सिल्क है ये कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसीज अब आपको ये सभी सिल्क है उसका टेक्सचर फील करना है ठीक है और फिर उसको कंपेयर करना है आर्टिफिशियल सिल्क के साथ आर्टिफिशियल सिल्क भी मिलता है मार्केट में विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसके अंदर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ट्राई एंड कलेक्ट पीसीज ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क और आपको क्या करना है एक पिक्चर्स के कलेक्शन करना है पिक्चर्स का कलेक्शन करना है किसका? डिफरेंट सिल्क मोथ का ठीक है और अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग बताने जा जा रहा हूं ठीक है तो आप शांति से देखिएगा वी आर गोइंग टू सी पिक्चर्स ऑफ सिल्क मॉथ देखिए सी एक एक करके देखते हैं दिस इज सिनोथस और केनोथस सिल्क मॉथ देखिए ये फिर ये कौन सा है सेक्रोपिया सिल्क मोथ, ठीक है फिर दिस इज द इन्वेसिव साइबेरियन सिल्क मोथ, ये साइबेरियन सिल्क मोथ है है ना सभी अलग अलग फिर आगे देखते हैं ये कौन सा है दिस इज इंडियन सिल्क वॉर्म मौत ये इंडियन सिल्क वॉर्म मौत है ठीक फिर ये कौन सा है टसर सिल्क मोथ जिससे टसर सिल्क मिलता है दिस इज सिल्क मोथ एंड इसको देखिए है ना ब्यूटीफुल दिस इज सेलेटा सिल्क मोथ देखियो कितना ब्यूटीफुल है सभी आगे देखते हैं और भी है अपने पास पिक्चर ठीक है वो भी देखते हैं दिस इज प्रोमेथिया सिल्क मोथ देखो ये फिर ये कौन सा है गोस्टली सिल्क मोथ देखो ये भी मस्त ब्यूटिफुल है ना फिर दिस इज ओक सिल्क मौत ये अलग टाइप का सिल्क मौत है फिर दिस इज एलेमी स्टोक फोटो सॉरी ये कोई भी सिल्क सॉरी दिस इज जापानीज सिल्क मोथ दिस इज जापानीज सिल्क मोथ और ये जो है सिल्क मोथ एक्स देखो कितने सारे एक्स वो ले करती है फिर और एक सिल्क मोथ है उसको देख लेते हैं दिस इज जायंट सिल्क मोथ है ना तो दिज आर दी डिफरेंट सिल्क मोथ आपको भी अलग अलग सिल्क मोथ के पिक्चर्स ढूंढने हैं नेट के ऊपर से फिर उसको अपनी स्क्रैप बुक में उसको प्रिंट करके चिपकाने हैं ठीक है विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस सेशन ओके एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टेक केयर ऑफ योर सेल्व एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू